इस वक्त की बड़ी खबर दौसा से आ रही है, जहां दौसा शटर तोड़कर लाखों के कैमरे सहित नकदी पर चोरों ने क्या बीती रात हाथ साफ। नेशनल हाईवे 21 के कालाखो पेट्रोल पंप के सामने बस स्टैंड के पास बीती रात चोरों ने एक मित्र एवं फोटो स्टूडियो की दुकान को निशाना बनाया। इसमें लाखों रुपए के कैमरे, लैपटॉप सहित नकदी सहित चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस के अनुसार बीती रात कसानी मित्र एवं स्टूडियो पर चोरों ने बीती रात शटर तोड़कर दुकान में रखे लाखों रुपए के कीमती कैमरे सहित दो लैपटॉप और कंप्यूटर सामान सहित रुपए 3,000 नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। सुबह जब दुकान मालिक सत्य नारायण गुर्जर को इसकी सूचना मिली, दुकान पर पहुंचा सामान बिखरा हुआ था। दुकान की शटर टूटी हुई थी, जिस पर उन्होंने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस मौके पर मुआयना किया और मामले की जांच में जुट गई। वहीं लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे 21 रात भर पुलिस गश्त करती रहती है, लेकिन चोरों ने हाईवे पर रहती गश्त की पोल खोल कर रख दी, जबकि सामने पेट्रोल पंप होने से 7 दिन रात आवाज जारी रहती है। गौरतलब है कि इन चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे रखी है, जिसके चलते दौसा शहर सहित आसपास के इलाकों में चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते पुलिस पर सवाल या निशान खड़े हो गए। दुकान मालिक ने बताया कि करीब 8 से रुपये 10 लाख की चोरी का अनुमान है। वहीं उन्होंने सदर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दी है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तोड़ के सर, शीशा तोड़ के सर, अंदर चोरी हो गई सर। उसमें सर मेरे सर नुकसान हो गया सर, मेरे कैमरे गए 5 सेट सर मेरा, और सर 2 लैपटॉप गए सर मेरा, एक ड्रोन क्रेन प्लाज्मा सर सेट था मेरा, और चोरी लगे 30,000 सर मेरे नकद थे सर मेरे गला में, वो गायब हो गए सर। तो मेरे सर 8-9 लाख के सर नुकसान हो गए सर। तो सर मैं बिल्कुल सर मेरी हालत गंभीर है सर, मेरी सब बुकिंग सर मैंने सावा लिया था एडवांस, और सर मेरे सब कुछ, सब क्या करो धंधा मेरे सर रोड पर। इसके सर आप बताओ सर क्या सर, पुलिस सर पुलिस गश्त नहीं देते सर, ना हाईवे पे प्रॉपर वाहन चलते रहते हैं, उसके बावजूद चोरी कैसे होती है? पेट्रोल में शाम है सर।